मार्किट सप्लाई करते हैं अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट तो उस डिटर्मिनेशन में मार्केट सप्लाई कर्व हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल जब हम मार्केट सप्लाई कर्व की बात करोगे फॉर अ फर्म दैट ऑपरेट्स अंडर परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट तो हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय गेटिंग हॉरिजेंटल समेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑल फर्म्स दैट दे आर विलिंग टू विलिंग टू सप्लाई एट स्पेसिफिक मार्केट प्राइस हाँ जी जब हमने फार्मर की सप्लाई कर्व की बात की तो हमने कहा था फार्मर सप्लाई कर्व ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इज द पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट लाइज़ करबव टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। और साथ में हमारी जम्पन क्या थी कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मैक्स आप कह लें जो वो एक लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है कि जी किस प्राइस तक वो आप लें लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ही कैन प्रोड्यूस आउटपुट अप टू शट डाउन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट कौन सा था दिस इज इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब उसी चीज को लेबोरेट करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इन अ मार्केट देयर आर टू ग्रोअर्स एक को हमने अहमद ग्रोअर का नाम दे दिया और दूसरे को हमने नाम दिया इनोवेटिव ग्रोअर और यो जो जो अहमद ग्रोअर और इनोवेटिव ग्रोअर हैं बोथ आर प्रोड्यूसिंग ऑनियन और जब आप ऑनियन की बात करते हो हमने हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ ऑनियन शो कर रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस ऑफ ऑनियन है और फिगर वन में हम यहां पे आप कह लें सप्लाई कर शो कर रहे हैं फॉर अहमद कि हाउ मच ऑनियन इज प्रोड्यूस्ड बाय अहमद अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेस और ये जो सप्लाई है क्या दिस इज मार्जिनल कॉस्ट करेगी कि प्राइस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर हम अहमद के रेफरेंस में बात करें तो हम हमने यहाँ पे इंडिकेट क्या करें कि प्राइस ऑफ ऑनियन इज इक्वल टू थर्टी अहमद इज नॉट विलिंग टू सप्लाई एनी क्वान्टिटी ऑफ ऑनियन बट इफ सप्लाई इफ प्राइस ऑफ ऑनियन बिकम सिक्सटी देन अहमद इज विलिंग टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ ऑनियन फिर इसी पैटर्न पर इसे पे 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 अगर मैं इनोवेटिव ग्रोअर के पास जाऊं तो वहां पे क्या है कि दैट इनोवेटिव ग्रोअर इज नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस एनी क्वान्टिटी ऑफ ऑनियन इफ प्राइस ऑफ ऑनियन इज इक्वल टू

को रिपोर्ट कर रहे हैं यहां पे फिगर थ्री को हमने किस तरह ऑप्टेन की क्वांटिटी ऑफ ओनियन वी ऑप्टेन दिस क्वांटिटी ऑफ ओनियन बाय एग्रीगेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ओनियन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस टू सप्लायर्स जब प्राइस 30 थी देर देर इज अहमद हु इज विलिंग टू प्रोड्यूस देर इज नो वन हु इज विलिंग टू प्रोड्यूस एनी यूनिट ऑफ ऑनियन तो अगेंस्ट थर्टी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनियन क्या है इट इज इक्वल टू Zero. और मार्केट सप्लाई बिकम्स वन यूनिट व्हेन प्राइस ऑफ ऑनियन बिकम सिक्सटी क्योंकि जब प्राइस सिक्सटी हुई सिर्फ अहमद था जो एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहा था और अगेंस्ट प्राइस सिक्सटी इनोवेटिव ग्रोअर इज नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस एनी क्वांटिटी ऑफ ऑनियन और अगर मैं बिल्कुल दूसरे एंड पे चले जाऊं कि व्हेन प्राइस ऑफ ऑनियन बिकम्स वन एटी तो आपके पास जो अहमद है ही इज विलिंग टू प्रोड्यूस यूनिट्स ऑफ अनियन देखिए इस प्राइस ऑफ वन एटी पे आपके पास जो इनोवेटिव ग्रोअर है ही इज विलिंग टू प्रोड्यूस ओनली यूनिट्स ऑफ हैनियन और अगर मैं इन दोनों के आउटपुट को एग्रीगेट कर दूं तो ये बनते हैं नाइन यूनिट्स ऑफ ऑनियन और ये नाइन यूनिट्स कब प्रोड्यूस होंगे इन दी मार्केट व्हेन प्राइस ऑफ ऑनियन बिकम्स वन एटी तो हम कह सकते हैं कि मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑबटेन्ड बाई एडिंग बाई एडिंग द सप्लाई ऑफ ऑल द क्रोअर्स इन द मार्केट अगेंस्ट ईच प्राइस लेवल और इनफैक्ट ये सब है क्या कि इंडिविजुअल की जो सप्लाई है दैट इज बेसिकली मार्जिनल पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट लाइज अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व मैं इसको ये भी कह सकता हूं जी अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व के पार्ट को ऐड कर दूं जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर लाई कर रहा है अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेस अगेंस्ट डिफरेंट कॉस्ट तो वो क्या होगी दैट इज मार्केट सप्लाई कर्व और ये मार्केट सप्लाई कर्व हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस दैट प्रिवेल्स इन परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट इनफैक्ट Prices in the perfectly competitive market are determined on the basis of market supply and market demand for agricultural output.